चल, सब लोग रेडी हैं? जी ओके। सो अरबाज जी, मैं जरूर आऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है जी। अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके, हमने देखा उसका कि ट्रेलर में एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर है आपका, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस? मैं जरूर आऊँगा। तो मैं ज़रूर आऊँगा। जब फिल्म मुझे ऑफर हुई थी तो इस किस्म की फिल्म मैंने की नहीं थी, एक सस्पेंस हॉरर थ्रिलर किस्म की फिल्म जो एक बड़े एक्साइटिंग लोकेशन पे शूट हो रही थी स्विट्ज़रलैंड में, अरोसा में। सो जब प्रेजेंटेशन जब मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इस किस्म की फिल्म मुझे करनी चाहिए, इस किस्म का किरदार मुझे निभाना चाहिए। तो दैट्स द रीज़न आई डिड इट, एंड नाउ द फिल्म इज़ रेडी एंड फॉर रिलीज, सो क्वाइट एक्साइटिंग। अगर आपके रोल की बात करें, हर बार आपने अपने नए नए चैलेंजिंग करते हैं, साइको हो या एक्शन ज़्यादा, जब हम मर्डर की बात करिए या फिर हॉरर की बात करिए, कोई स्पेशल इसमें कोई होता है सर? पहले इस फिल्म के अंदर मेरा जो कैरेक्टर है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कैरेक्टर है जिसका एक मॉडल के साथ रोमांस हो जाता है, और बहुत ही कम समय में उनका रोमांस एक मैरिज में कन्वर्ट होता है। बट उसके साथ जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं, और एक थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से कैसे मेरे कैरेक्टर के ऊपर उसका असर होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन प्ले में और फिल्म में आपको देखने मिलेंगी। इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, अगर खुद बुरु सर है डायरेक्टर, आपकी तरफ से कोई इंश्योरेंस है कि नहीं भाई अगर मैं इस तरह से करूँगा तो इस तरह होता है, तो कभी देखा नहीं? एज आई यू नो काइंड ऑफ वर्क ऑन अ फिल्म प्योरली एज एन एक्टर, यू नो मैंने फिल्म डायरेक्ट की है, लेकिन और कहीं कुछ मेरे से अगर पूछा जाता है तो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूँ, बट जनरली आई काइंड ऑफ do what the director or the writer wants me to do, and I try to do just to the best of my ability. Location ki baat kisi aapne kaha ki location bahut hai, ye location kis tarah ka tha aur kya mushkilat thi? To humne ye film Switzerland mein shoot ki hai, ek chote se town mein Arosa, jo ek tourist place hai, jo also ek ski resort hai, jahan par sare world ke jo acche skiers hai competition mein part lete hain wo wahan aate hain, and इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस अराउंड द विंटर टाइम, तो हमने उसी टाइम में शूट किया है, तो ठंड बहुत होती है वहाँ पर, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होती है, क्योंकि एक दिन जब हमने शूट किया था तो ऑलमोस्ट -19 degrees में शूट किया था, तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट, बट बींग प्रोफेशनल एंड द एंटायर टीम ऑल्सो बींग देयर वर्किंग हार्ड, वी स्टिल कंटिन्यूड विद आवर शूट एंड एन्जॉयड आवर शूट, बट एट एनी गिवन टाइम जो नॉर्मल टेम्परेचर वो -8, -10 जो बहुत ठंड होती थी, लेकिन इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, वेरी चैलेंजिंग बट रियली एंजॉयड इट। वेल आई गेस फिल्म इंडस्ट्री में जब आदमी आता है तो शायद एक चीज़ पे रुकता नहीं है, उसको एक्टर को डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर को प्रोड्यूस करना है, शायद कहानी लिखनी है, तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया है। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टर, देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर, देन अ डायरेक्टर, देन आई डिड hosting of shows, you know, chat shows, now I venture out into the digital platform. So whatever is exciting, whatever comes my way, if I feel that I'm excited about it, I don't mind doing it. So Pinch was a very successful show for me and was highly appreciated and got a great response. So I'm in the process of trying to do a season 2. So maybe in the next couple of months I'll hopefully announce it. Okay, last year daban ke bare mein jo teaser posta hai sabne pasand kiya, bahut sari kamzoriyan mita raha, to ab tak aapke mind mein kya chal raha hai puri tarah se, because bahut dino baad purva dabav Salman mein aa raha hai. Ha, to daban is hamari film hai jo third installment uska aane wala hai 28 december ko, to we are very excited, bahut achhi bani hai, and Prabhu Deva sir has done a great job, and we've really enjoyed every day of the shoot. It's got that flavor that logon ko chahiye dabang se ya chulbul pandey se, yet usme humne kafi freshness aur exciting cheeze dali hain film ke andar, jo jab audience dekhegi to unko wo pasand aayega. Okay, makhi kya kar rahe the? Makhi is also got a very interesting role in the film, because pehle mein bhi tha, second mein bhi tha, third mein in fact kafi character film ke sath juda hua hai, तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा वो कैरेक्टर। नेक्स्ट स्टार टीवी क्या बोलना है?
हमेशा तेरा होता है, बाकी किसी का नहीं होता, हमेशा तेरा होता है। हाँ तो तुम लोग कितने लोग हैं, तुम लोग आराम से लोग हैं, तुम मिलेगा ना फोटो। रिक्वेस्ट तेरा कभी भी रिक्वेस्ट नहीं आता बेटा, तेरा कभी नहीं आता रिक्वेस्ट, तेरा हमेशा से ही है और किसी का नहीं होता, तेरा ही होता है। तुम लोगों को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी जगह देता हूँ प्लीज, तो मैं फोन करूँगा भाई, देख भाई तेरे को फोन कर। सुन मैं तेरे को एक सिंपल आइडिया कर, सिंपल आइडिया देता हूँ, मैं सिंपल आइडिया देता हूँ। मेरे को बहुत परेशानी होती है, तो मेरे को तो बैंड ही कर देना नहीं फिर। सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी फॉर दैट, अपोलॉजीज। अगर ये चलता रहा तो शो आगे कैसे बढ़ेगा, मेरी दरख्वास्त है कि सबको फोटो फोटो आपका मौका मिलेगा, ये हमारा वादा है। ले ले भाई, चल ले 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 ले। सिक्योरिटी प्लीज, थोड़ा सा नीचे तो सबको व्यू मिलेगा। एंटरटेनमेंट के सिलसिले को आगे, एंटरटेनमेंट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सुपरस्टार सलमान खान और सब और उनके साथ जो सेलिब्रिटी स्टार्स हैं, अर्जुन बिजनानी, सना खान, पूजा बोस, सभी का जोरदार ताली। कम ऑन एवरीबॉडी। ऑलराइट सर, सबसे पहले तो आपका ये ट्रेन, आपकी ट्रेन जर्नी कैसे रही यहाँ तक? आउटस्टैंडिंग, पहली बार मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, इस आउटस्टैंडिंग। सिर्फ इसमें एक फीचर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें दरवाजे हैं, बाहर लटके ना कैसे? सेफ्टी रीजंस की वजह से, हवा, वो नेचुरल वाला एसी बंद कर दिया इसलिए अंदर वाला एसी बंद है, वो फिट हो जाते हैं सब, क्योंकि ये अपेरेंटली 99% के ऊपर ऑक्यूपेंसी में चल रहा है। We have 16 of them and I think they are going to do a lot more. Fantastic metro, look up India. Absolutely, Mumbai. Sir, ये जो Celebrity Express है, Big Boss में इस बार आ रही है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो, जितनी जल्दी मैं यहाँ पर आया हूँ, उतनी ही जल्दी ये सीज़न ख़त्म होगा। मतलब कि चार हफ्ते में एक तो फिनाले ज़रूर आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये 3 महीने तक चलने वाला है लगातार, जैसे कि हर सीजन चला है, और 3 महीने तक मैं इनके साथ ही हूँ। और पता नहीं किसी ने बीच में मिसकम्युनिकेशन कर दिया था, एक प्रोमो देख के छोड़िए, देयर फॉर 4 हफ्ते के अंदर फिनाले आएगा, ऐसा कुछ था। एक उसके अंदर प्रोमो के अंदर ये था कि
चार हफ्ते में एक फिनाले आएगा, उसका एक ट्विस्ट आएगा। सो ये चार हफ्ते वाला चक्कर है क्या, थोड़ा सा विस्तार।